चिलियन गार्लिक के तमाम व्यूअर्स को आज के इस नए वीडियो में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। जिस तरह से हम और आप कोई भी चीज़, कोई भी डिश बनाते हैं तो उसका स्टाइल एक ख़ास हो जाता है, इसी तरह से जब हम नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो वहाँ के भी जायकों में एक मुख्तलिफ सा हमें टेस्ट मिलता है। तो इसी तरह अलग अलग जगहों के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वहाँ आम तौर पे खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं, वो मिलकर उनका टेस्ट यूनिक बन जाता है। तो आज हम बना रहे हैं आंध्र प्रदेश का चिली चिकन करी। आंध्र स्टाइल चिली चिकन करी बनाने के लिए हमने लिया है 750 ग्राम चिकन, एक बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ, एक कप हरा धनिया रफली चॉप किया हुआ, क्वार्टर कप कोकोनट मिल्क पाउडर, एक टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, क्वार्टर कप करी लीव्स हैं, ये ड्राई करी लीव्स हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं, 6 हरी मिर्च जिन्हें हमने स्लिट लगा दिया और इनके सीड्स हमने निकाल दिए, 2 हरी मिर्च हमने रफली चॉप कर लिए, 2 टेबल स्पून अदरक ली है रफली चॉप की हुई, 2 मीडियम प्याज स्लाइस की हुई, 1.5 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही हमने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 इंच का पीस दालचीनी का। तेल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम स्लाइस की हुई प्याज। प्याज हमारी फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम ये अदरक डाल देंगे, इसे प्याज के साथ थोड़ा फ्राई करेंगे। अब ये हम ज़ीरा भी डाल देंगे और दालचीनी की स्टिक के भी हमने पीसेस कर लिए हैं, ये भी डाल देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे हरी मिर्च और चॉप किया हुआ टमाटर और इसे 2 मिनट फ्राई करेंगे, या जब तक फ्राई करें जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए थोड़ा। खड़े मसाले हमारे फ्राई हो चुके, 6 से 7 मिनट हो चुके, अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके। इसी ऑयल को हम यूज़ करेंगे और इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट और इसे 1 मिनट भूनेंगे। इसमें डाल देंगे 4-5 करी पत्ता और उसके साथ ही डाल देंगे चिकन। चिकन को जब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये सबसे अच्छी पहचान होती है चिकन की कि वो कलर चेंज हो जाए, इसका मतलब वो अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इसको चलाएंगे। चिकन को फ्राई करते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ये पाउडर्ड मसाले सारे डाल देंगे। और इन मसालों के साथ थोड़ा इसे भूनेंगे 1 मिनट। इसमें 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे ढककर 15 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे, और इसे स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसके साथ ही हम इसमें करी पत्ता भी डाल देंगे
और इसका अच्छे तरीके से एक पेस्ट बना लेंगे। हमने 20 मिनट चिकन को पकाया है और 2 टेबलस्पून हमने ऑयल और ऐड किया है इसमें। अब ये मसाला जो हमने ग्राइंड किया था ये मिला देंगे इसमें। इसे मिक्स करेंगे इस मसाले के साथ। अब इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए। अब हम डालेंगे कोकोनट मिल्क पाउडर इसमें। इसे 5 मिनट और पकाएंगे, खोल कर पकाएंगे। अब इसमें ये हरी मिर्च भी डाल देंगे और हरा धनिया भी डाल देंगे। चिकन तैयार हो चुका है। अब इसके फ्लेम ऑफ करते हैं हम और आपके सामने पेश करते हैं। आंध्रा स्टाइल चिली चिकन करी तैयार हो गया। अब इसे आप चावल से खाएं या चपाती से खाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जब भी बनाएं मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दिल करें लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाज़िर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।